श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन बहुत बार उन्नाव जनपद में हुआ है, लेकिन परम सिद्धे देवकुंदन ठाकुर जी महाराज जी की कथा का आयोजन हमारे भाई अंशु गुप्ता जी ने स्वयं मुख्य यजमान बन के किया है और अपने पूज्य पिता श्री श्री राम कुमार गुप्ता जी की पुण्य स्मृति में इस भागवत महापुराण की इस अलौकिक कथा का आयोजन किया गया है। कुछ ही पलों बाद देवकुंदन ठाकुर जी महाराज हमारे मंच पर विराजमान होंगे, उनके श्रीमुख से कथा का श्रवण हमारी उन्नाव की जनता करेगी। इस कथा का पूरा श्रेय जाता है हमारे भाई अंशु गुप्ता जी को जो हमारे साथ मौजूद हैं और इस कथा के प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारे जनपद के साक्षी जी महाराज जी और दूसरे प्रेरणा स्रोत हमारे उन्नाव शहर के सदर विधानसभा विधायक माननीय पंकज गुप्ता जी और पूरा सहयोग कर रहे हैं जिला पंचायत सदस्य अरुण सिंह जी हैं। ये कामना करते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा ठाकुर देवकी नंदन जी के मुख से सुने और प्रसाद ग्रहण करें, इस औलाद की और दिव्य कथा का आनंद उठाएं। हमारे बड़े भाई श्री पंकज गुप्ता जी के द्वारा मुझे ये प्रेरणा दी गई कि एक भव्य और अलौकिक कथा की जाए, तो मैंने अपने पिताजी की स्मृति में इस कथा का आयोजन किया गया है। सभी शहरवासियों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि सब लोग इस कथा पे आएँ और उसका आनंद उठाएँ। इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग रहेंगे? आज इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष हृदयनंद दीक्षित जी दीप प्रज्वलित करेंगे और माननीय मोती सिंह जी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी उनके साथ दीप प्रज्वलित करेंगे। हमारे सदर विधायक श्री पंकज गुप्ता जी रहेंगे, वो दीप प्रज्वलित करेंगे और समस्त गणमान्य लोग भी और जो हमारा परिवार है यजमान परिवार वो भी रहेगा और दीप प्रज्वलित करके इस कथा का शुभारम्भ 2 बजे से करेंगे।